दोस्तों HNI न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बेहद बड़ी खबरें इस समय की आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों एक एक करके तमाम बेहद बड़ी खबरें जानेंगे। वहीं दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो HNI न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर आपको बताते चले, हाथरस मामले पर इस्तीफा दें योगी आदित्यनाथ, बढ़ रहा है लगातार दबाव। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता समा मोहम्मद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के आरोप पत्र से साबित होता है कि प्रकरण में प्रशासनिक स्तर पर बड़ी लापरवाही हुई है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। वहीं प्रवक्ता ने कहा कि खुद को हिंदुओं की हितैषी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले उत्तर प्रदेश में एक हिंदू लड़की के अंतिम संस्कार में रीति रिवाजों की धज्जियां उड़ाई गई, उसके परिजनों को भी इस प्रक्रिया से दूर रखा गया और बाद में इस मामले को दबाने की भी भरसक कोशिश की गई और इसी पूरे मामले पर योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा है कांग्रेस पार्टी ने। देख सकते हैं दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं, हिटलर जैसा नव राष्ट्रवाद फैला रही है BJP सरकार, सेना का भी हो रहा है राजनीतिकरण, ये कहना है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड HS पनाग का। जी हाँ दोस्तों बेहद बड़ी खबर आपको बताते चले, लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं अपनी बेवाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने BJP के राजनीतिक नेतृत्व में देश में सिर उठा रहे नव राष्ट्रवाद को बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि इसका बुरा असर यह है कि हमेशा से गैर राजनीतिक रही भारतीय सेना में भी खास विचारधारा के प्रति झुकाव होता जा रहा है। उन्होंने इस राष्ट्रवाद की तुलना हिटलर जैसे नव राष्ट्रवाद से की है और कहा है कि BJP सरकार सेना को भी राजनीतिकरण कर रही है, ये बड़ी बात कही गई है। दोस्तों देख सकते हैं रिटायर्ड जनरल HS पनाग की तरफ से। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर जान लेते हैं, यूपी चुनाव के लिए गुटबंदी कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह से की है मुलाकात, कहा सत्य कहना बगावत है तो हाँ हम बागी हैं। जी हाँ दोस्तों बेहद बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें अभी 2 साल से ज़्यादा का समय बाकी है। हालांकि भाजपा कांग्रेस सपा और बसपा से अलग कुछ अन्य पार्टियों ने तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारियां भी तेज कर दी हैं। वहीं इनमें से एक पार्टी का नाम है सुहेलदेव समाज पार्टी, जिसके अध्यक्ष और योगी कैबिनेट का हिस्सा रहे ओम प्रकाश राजभर, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मिलकर यूपी चुनाव पर रणनीति तय करने में जुटे हैं। वहीं उन्होंने यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से भी मुलाकात की, दोनों नेताओं के बीच लखनऊ में काफी लंबी बातचीत चली। वहीं बैठक के बाद राजभर ने योगी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि CM योगी के राज में दूसरी जातियों के साथ भेदभाव और अन्याय हो रहा है। राजभर ने भड़कते हुए कहा कि सच कहना बगावत है तो हाँ हम लोग बागी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी बन सकता है तीसरा मोर्चा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर जान लेते हैं, अमित शाह के परिवारवाद वाले बयान पर TMC का पलटवार, पूछा कैसे आपका बेटा बना BCCI का सचिव। जी हाँ दोस्तों बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आपको बताते चलें। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने को हैं, जिस वजह से वहां पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बिहार में बेईमानी की जीत से उत्साहित BJP बंगाल में भी मोर्चा संभालने की कोशिश में है। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे और कई बैठकों में हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान उन्होंने CM ममता बनर्जी पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया, जिस पर TMC ने पलटवार किया है। जी हां दोस्तों पूरा मामला आपको बताते चलें, TMC के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह बंगाल की राजनीति को नहीं समझते हैं, बंगाल में ममता बनर्जी की पकड़ मजबूत है, साथ ही लोगों का उन पर पूर्ण भरोसा है, जिस वजह से 2021 में वो तीसरी बार सत्ता में आएंगी। TMC सांसद ने अमित शाह के परिवारवाद वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री TMC में परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन क्या मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि शुभेंदु का राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है। इसके अलावा अमित शाह के बेटे जय शाह किसके प्रभाव की वजह से BCCI के सचिव बने हैं, इसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह को देना चाहिए, भारतीय जनता को। तो देख सकते हैं अपने ही देह बयान पर घेरते हुए नजर आए हैं अमित शाह।
वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बताते चलें। उपवास से पहले जलपान करते दिखे भाजपा के सांसद और विधायक, वीडियो हुआ है वायरल। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है। पंजाब से हरियाणा के हिस्से का पानी SYL यानी कि सतलुज यमुना लिंक नहर में लाने की मुहिम उपवास से शुरू करने वाले दो माननीय धर्म संकट में फंस गए हैं। फंसे भी ऐसे कि ना उबलते बन रहा है और ना निगलते। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी और भाई सुभाष सुधा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में वे जलपान करते दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि भाजपा सांसद और विधायक ने SYL के मुद्दे पर रखे गए उपवास से चंद मिनट पहले जमकर जलपान किया। तो देख सकते हैं बीजेपी के नेता कैसे उपवास रखने का ढोंग कर रहे हैं और उसके चंद मिनट पहले ही ठूंस कर खाना भी खा रहे हैं। दोस्तों आप सभी की क्या राय है इस खबर पे आप लोग जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी किसानों का मनोबल है प्रबल, प्रदर्शन स्थल पर डटे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें, दिल्ली शीतलहर की चपेट में है। इसके बावजूद केंद्र के कृषि कानूनों का दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे किसान अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। बीते रविवार को दिल्ली में पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो इस मौसम में अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान है। वहीं दोस्तों आगे आपको बताते चलें, वहीं इतने कड़ाके की ठंड में किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और 4 सप्ताह से ज़्यादा का समय होने को है और इसके कारण सीमा पर भी यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। दोस्तों देख सकते हैं किसान हटने को तैयार नहीं है और कह दिया है स्पष्ट रूप से कि जब तक केंद्र की मोदी सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती वह अपना स्थान खाली नहीं करेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बताते चलें, PM और कृषि मंत्री के नाम किसानों का खुला खत, कहा दुष्प्रचार कर रही है सरकार, सभी आरोपों का एक एक करके दिया जवाब। जी हां दोस्तों आपको बताते चलें, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जहां एक तरफ जारी है, इसी बीच किसान संगठनों ने मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को एक खुला खत लिखा है। खत में किसानों ने सरकार के रवैये पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति की ओर से लिखा गया यह खत PM मोदी के आरोपों और कृषि मंत्री के पत्र के जवाब में है। खत में PM को संबोधित करते हुए लिखा गया है कि बहुत दुख के साथ आपसे कहना पड़ रहा है कि किसानों की मांगों का हल करने का दावा करते हुए जो हमला 2 दिनों से आपने किसानों की मांगों और आंदोलन पर शुरू किया है वह दर्शाता है कि आपको किसानों से कितनी सहानुभूति है। वहीं पत्र में किसानों ने PM मोदी से कहा है कि आप शायद हमारी परेशानियों का हल निकालने का अपना इरादा बदल चुके हैं, आपने जो भी बातें कही हैं वह तथ्यहीन हैं। और यहां पर देख सकते हैं सरकार द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का एक एक करके दिया है जवाब किसान संगठनों ने। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बताते चलें, गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसानों ने प्रशासन को दिया अल्टीमेटम। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला आपको बताते चलें। दरअसल किसानों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में किसानों को परेशान कर ट्रैक्टर ट्रालियों को जब्त किया जा रहा है। किसान नेता ने एक एक कर सभी बिंदुओं को गाजियाबाद प्रशासन के सामने रखा और जल्द से जल्द इन समस्याओं को सुलझाने को कहा। और वहीं गाजियाबाद के साथ ही अन्य जिलों में हो रही किसानों की समस्याओं को लेकर अवगत कराकर 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया है। तो देख सकते हैं किसान नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर उनकी समस्याओं को सुलझाया नहीं गया तो वे लोग नेशनल हाईवे 24 के दूसरी ओर से आने वाली सड़क को भी बंद कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों आज के महत्वपूर्ण समाचार और मुख्य खबरें आप लोगों ने जानी है आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को, जिससे कि आपके दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।